तो दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग आ चुके हैं कोलकाता वर्सेस हैदराबाद के इस मैच में। यह है आईपीएल का फाइनल मैच। टेम्परेचर है 22.5 डिग्रीज। पिच हमने हार्ड रखा है, थोड़ा बहुत क्लाउड्स होंगे। यहाँ पे टॉस किया है हम, यहाँ पे कोलकाता की तरफ से हेड्स चॉइस करेंगे। आज हम लोग रियल क्रिकेट 22 का गेम प्ले कर रहे हैं, क्योंकि 24 में ये आईपीएल वाला नहीं दे रहे हैं। ओपोनेंट ने टॉस जीता और बॉलिंग का फैसला किया है, यानी कि हैदराबाद बॉलिंग से शुरुआत करेंगे और कोलकाता को यहाँ पे बैटिंग करना पड़ेगा। प्लेइंग 11 आपके स्क्रीन के ऊपर है। थोड़ा बहुत आपको स्क्वाड में भी दिक्कत आ सकता है, क्योंकि वो सेम स्क्वाड नहीं है, दो साल पहले का स्क्वाड है। हमने इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किए हैं, बाकी वो तो देखने वाला बात होगा कैसा होने वाला है। बैटिंग में हम लोग रहेंगे सुनील नारायण एंड आंद्रे रसेल को, दोनों ही वेस्ट इंडीज के हैं, तो काफी अच्छा देखने को मिलेगा। अंपायर्स यहाँ पे आ रहे हैं पिच में। इन कम्स द फील्डिंग साइड, दे लुक फील्डिंग टीम भी आ रही है पिच में। हैदराबाद के प्लेइंग 11, हियर कम द ओपनर्स, ग्रीटेड विद अ लाउड चीयर फ्रॉम द क्राउड। सुनील नारायण एंड आंद्रे रसेल आ रहे हैं बैटिंग में। पेस बॉलर इनटू द टैंक। भुवनेश्वर कुमार शुरू कर रहे हैं बॉलिंग हैदराबाद की तरफ से। बैटिंग में है सुनील नारायण। 5 4 3 2 1, आर यू रेडी, गेम ऑन। शुरू हो चुका है हमारा बैटिंग। गेटिंग इनटू पोजीशन टू फेस द फर्स्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स। चलिए पहला बॉल खेलते हैं। LBW का अपील है पर अंपायर ने नकार दिया। इनके पास DRS है, ये चाहे तो ले सकते हैं, पर यहाँ पे इन्होंने DRS नहीं लिया है। They're packed one side, making the batsmen go for shots like those on the other. Excellent captaincy. ये अच्छा शॉट खेला है सुनील नारायण। He smashed that to the boundary. मिलेगा चार runs. ओवर के सेकंड बॉल में चौके के साथ अपना खाता खोला है सुनील नारायण ने। He has picked up the length on that so early. बहुत ही बेहतरीन शॉट। ये मैच हम लोग दो ओवर्स का रख रहे हैं। अगर आप लोगों को आखिर तक ये मैच पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फील्डिंग में सुधार किया जा रहा है। पैट कमिंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि ये पुराना गेम है। यहाँ पे पुल खेलने का कोशिश था पर नाकामयाब रहे। Would have been frustrating having missed out on the last one. ये बैक फुट में खेलने का कोशिश था, यहाँ पे भी मिस किया फिर से। इस तरीके से चलता रहा तो मुश्किल होगा फिर। Those on the other. Excellent captaincy. यहाँ पे वाइड का इशारा आ सकता अंपायर से। Didn't have a clue about that one. अंपायर ने तो वाइड का नहीं दिया है। Would have been frustrating having missed out on the last one. चलिए ये शॉट खेल के देखते हैं। ये अच्छा उठाया है, अच्छा पुल किया है। That is in the air and in the gap as well. मिलेगा चौका। Goes for four. क्या है कि तीन बॉल मिस करने के बाद थोड़ा सा जो प्रेशर था उसको रिलीज किया यहाँ पे सुनील नारायण ने। चौका लगाया गैप में, दोनों फील्डर्स के बीच से जड़ दिया है चौका। पहले ओवर का ये हॉकाई है, कहां कहां पे बॉल गिरा था और कैसे कैसे शॉट्स आए थे। एक भी बॉल विकेट में नहीं था। पहले ओवर खत्म होने के बाद कोलकाता ने बनाया 8 रन्स बिना किसी नुकसान के। स्पिनर इनटू द एक्शन फ्रॉम द अदर एंड। अभिषेक शर्मा आए हैं बॉलिंग डालने। बैटिंग में आए हैं आंद्रे रसेल। फील्डिंग में सुधार किया जा रहा है। करंट रन रेट 8 का चल रहा है। बैट्समैन गेटिंग रेडी टू फेस हिज फर्स्ट बॉल।
ये बॉल उठा है, फील्डर वहां पे मौजूद है और कैच लिया, विकेट कवर बैठा अपना। But he couldn't time it too well. That is a good catch in the end. Andre Russell गोल्डन डक लेके वापस जा रहे हैं पवेलियन की तरफ। बिल्कुल ही अपना खाता खोलने में असमर्थ रहे यहाँ पे। उठाया था आंद्रे रसेल का, आप लोग जैसे जानते ही हैं इनका उठाने का बहुत ज़्यादा शौक है, मतलब ऊंचे ऊंचे शॉट्स खेलते हैं, पर इस बार टाइमिंग सही नहीं हो पाए और ना मूल्यवान विकेट गवा बैठे। अब बैटिंग में आएंगे, किसको लाया जाए, श्रेयस अय्यर को लाते हैं बैटिंग में, कैप्टन है, देखते हैं कैप्टन क्या कर पाते हैं। Deep point in place. ये अच्छा शॉट खेला है, अरे बाप रे ये भी विकेट हो गया। The elevation right, but he couldn't time it too well. That is a good catch in the end. यहाँ पे भी टाइमिंग का थोड़ा बहुत दिक्कत हो गया और सुनील नारायण को भी वापस जाना पड़ा। 7 बॉल में 8 रन बना के सुनील नारायण वापस जा रहे हैं। ये कुछ ठीक तरह से टाइम नहीं हो पाया और फील्डर ने आके अपना कैच लपक लिया। Was not quite there for that shot. अब बैटिंग में आएंगे नीतीश राणा या फिर वरुण चक्रवर्ती को भी ला सकते हैं। चलिए वरुण चक्रवर्ती को ही लाते हैं, नीतीश राणा तो इस साल खेले ही नहीं है। स्ट्राइक में श्रेयस आ चुके हैं, फील्ड क्रॉस हो गया था। Has been opened and the batsman should be looking to get those. चलो इस बार फ्रंट फुट में खेलेंगे। ये बड़ा शॉट लगा है यहाँ पे। Oh, that's huge! It's disappeared way into the stands. जब कैप्टन देख रहे हैं कि पूरा टीम कुछ नहीं कर पा रहा था, खुद के हाथों में जिम्मेदारी लिया और छक्के के साथ अपना खाता खोला। He is an improved player now. You make a mistake and you pay the price. बहुत ही बड़ा सिक्स यहाँ पे हमें आज देखने को मिला है श्रेयस अय्यर के बल्ले से, 98 मीटर्स का बहुत ही बड़ा सिक्स। फील्डिंग में सुधार। Here we go. Wonder where the next one is going to fly. फिर से उठाया श्रेयस अय्यर ने, फिर से मिलेगा 6 रन। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। That was an absolute बहुत ही बेहतरीन फ्लिक किया था यहाँ पे श्रेयस अय्यर ने और मिला है बड़ा शॉट। देखते हैं ये छक्का कितने मीटर्स का है। फील्डिंग में सुधार किया जा रहा है। He seems to have carried his form from the last match. फिर से मिला एक बड़ा सिक्स। बैक टू बैक 3 छक्के आए हैं श्रेयस अय्यर के बल्ले से। Things are really heating up and he's getting up the ball. पावर दिखा रहे हैं समझे हैदराबाद की टीम को। Outstanding shot. It's a bigger boundary there. Last ball of the innings coming up. इनिंग्स की आखिरी गेंद। ये उठा है बॉल पर ठीक तरह से टाइम नहीं हुआ है और यहाँ पे विकेट गवा बैठे हैं अपना। दोनों बैट्समैन और बाकी प्लेइंग 11 भी वापस जा रहे हैं पवेलियन की तरफ अंपायर्स के साथ। तो टोटल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपना 3 विकेट गवाया और बनाए 26 रन। देखते हैं हैदराबाद कितने तेजी से बनाते हैं 27 रन। बॉलिंग शुरू करेंगे हम लोग सुनील नारायण से। We are through with the innings break and umpires आ रहे हैं फिर से at the stadium. पिच में batting team, the umpires lead the fielding team. फील्डिंग टीम भी अभी आ रही है फील्ड में। Set to open the innings. बिल्कुल एकदम योगा या फिर स्ट्रेचिंग करते हुए एडन मार्करम एंड अभिषेक शर्मा आ रहे हैं बैटिंग में। Let's go ahead and catch the live action. Spinner being brought into the tank. सुनील नारायण शुरू करेंगे बॉलिंग। बैटिंग में एडन मार्करम,
bowler will have to be extra careful of the line he bowls to this field. यहाँ पर रिवर्स स्वीप खेलने का कोशिश था, फील्डर मौजूद है वहाँ पर और रोका है बॉल को. इसी बीच यहाँ पे मार्करम ने ले लिया है दो रन के साथ अपना खाता खोला है एडिन मार्करम ने. That is excellent running between the wickets. There is a fielder at cover. विकेट and onto the stumps. बहुत ही बड़ा विकेट मिला है. उन्होंने सोचा था कि यहाँ पे वाइड बॉल हो सकता है और एडिन मार्करम दो बॉल में दो रन बना के वापस जा रहे हैं पवेलियन की तरफ. बड़ा विकेट है कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए और ये विकेट यहाँ पे सोचा नहीं होगा कि विकेट हो सकता है पर बहुत ही बेहतरीन स्पीड हुआ है यहाँ पे. That is an absolute ripper. He has produced a peach of a delivery. अब दो समाद अभी आए हैं बैटिंग में. मार्करम के जाने के बाद इन्हें पूरा पारी संभालना पड़ेगा. बहुत ही अच्छा विकेट लिया है यहाँ पे सुनील नारायण ने. बैट्समैन गेटिंग रेडी टू फेस हिज फर्स्ट बॉल. ऑफ स्पिन डालेंगे. अच्छा फ्लिक किया है. फील्डर मौजूद वहां पे पर बहुत दूर है. दोनों फील्डर्स के बीच से जड़ दिया है चौका. समाद ने अपना खाता खोला चौके के साथ. बेहतरीन फ्लिक किया है. Excellent shot making. Oh, he has got a wide range of shots. What is he going to do next? चलिए टॉप स्पिन देके देखते हैं अभी. ये डिफेंस किया है, कोई रन नहीं. The bowler is bowling from his favorite end. कैरम बॉल डालते हैं. ये अच्छा कवर ड्राइव खेलने का कोशिश था पर फील्डर वहां पे मौजूद हैं. बॉलर अपना बॉलिंग का जलवा दिखा रहे हैं और रोक के रखा है बिल्कुल हैदराबाद के टीम को. Is an aggressive field in place. I like how they're going. चलिए अभी देते हैं इन्हें ऑफ स्पिन एक बॉल. क्या स्पिन हो पाएगा या फिर नहीं वो देखने वाला बात होगा. फिर से डिफेंस किया है. हॉकाई से आप लोग देख सकते हैं किस बॉल में विकेट मिला है, किस बॉल में चौका एक रन हुआ है. एक बॉल विकेट पे था जिसमें आउट नहीं हुआ, दूसरे बॉल में आउट हुआ है. पहले ओवर खत्म होने के बाद हैदराबाद ने बनाया 6 रन एक विकेट का नुकसान पर. सेकंड ओवर हम लोग देंगे वरुण चक्रवर्ती को. स्पिनर इनटू द एक्शन फ्रॉम द अदर एंड. पहले ओवर में स्पिनर ने बहुत ही अच्छा मतलब दिखाया था गेम, तो इसीलिए हमने सोचा कि स्पिनर से ही करवाते हैं बॉलिंग. बैटिंग में है अभिषेक शर्मा. ये भी स्पिनर है, ये ऑलराउंडर है, तो रिक्वायर्ड रन रेट इस ओवर में 21 रन चाहिए. बैट्समैन गेटिंग रेडी टू फेस हिज फर्स्ट बॉल. ये थोड़ा सा ऑफसाइड है तो लेग बॉल डालते हैं. उठा के खेला है. दैट्स गॉन हाई इन द एयर. मिलेगा 6 रन एंड दैट्स गॉन टू क्लियर द बाउंड्री फॉर 6. अभिषेक शर्मा ने अपना खाता खोला इस बड़े छक्के के साथ. आउट ऑफ द मिडल ऑफ द बैट. वेल ही हैज गॉट द लाइसेंस टू गो हियर. क्राउड इज गोइंग क्रेजी. यहां पे बॉलिंग में बहुत गलत बॉलिंग हो रहा है. लाइन एंड लेंथ सही नहीं हो पा रहा है. अंपायर से वाइड का इशारा आ सकता है पर कोई नहीं, अंपायर ने वाइड तो खैर नहीं दिया है. तो बॉल डालेंगे. इट्स अ जैम पैक्ड स्टेडियम हियर टुडे विटनेसिंग एन एज ऑफ द सीट थ्रिलर हियर.
तो गुगली डाला है और दोनों फील्डर्स के बीच से जड़ दिया है चौका। वरुण चक्रवर्ती बहुत महंगे साबित हो रहे हैं अपने टीम के लिए। Oh, that's marvelous. Looks even better in the replay. बहुत ही बेहतरीन चौका लगाया यहाँ पे अभिषेक शर्मा ने। अपने टीम को जिताने का कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे चीयर भी कर रहे हैं कोलकाता की टीम की। कोई बात नहीं, एक दो चौका आ सकता है। तीन बॉल में 11 रन चाहिए जीतने के लिए। This is scintillating batting. Wonder where the next one is going. ये टॉप स्पिन डालते हैं। उठा के खेला है, मिलेगा छह रन। And that sails into the crowd for a six. बहुत ही खुश है यहाँ पे हैदराबाद की टीम। बड़े बड़े शॉट्स आ रहे हैं अभिषेक शर्मा के बल्ले से। यहाँ पे वेंकटेश अय्यर को थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा बॉल को बैट से, फिर ही जीतने का चांसेस बन सकते हैं। ये आईपीएल का फाइनल मैच है तो जो जीतेगा उन्हें को ट्रॉफी मिलेगा। कहीं ना कहीं एक गुगली बॉल डाला जा सकता है। चलिए गुगली डाल के देखते हैं क्या होता है। ये डिफेंस खेला है, फील्डर मौजूद है, लिया है एक रन, रन आउट नहीं हुआ है। मैच अपने अंतिम पड़ाव में आ चुका है, एक बॉल है, कुछ रन चाहिए जीतने के लिए। बैटिंग में आए हैं समाद। There is a fielder at cover. फिर से गुगली डाल सकते हैं। चलिए गुगली डाल के देखते हैं। फ्लिक किया है, फील्डर वहां पे मौजूद है और बॉल को रोका भी है। इसी के साथ कोलकाता ने इस मैच को जीत लिया है 3 रन से। बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग किया है कोलकाता के दोनों ही स्पिनर्स। हैदराबाद ने भी बहुत कोशिश किया था पर खैर क्या ही कर सकते हैं, कोई एक टीम ही जीतेगा। 23 रन के साथ यहाँ पे एक विकेट मिला है एडन मार्करम का और अभिषेक शर्मा और अब्दुल समाद नॉट आउट रहे थे। एक ने बनाया था 17 रन, एक ने बनाया था 4 रन। कोलकाता ने इस मैच को 3 रन के साथ जीत लिया है। क्रिकेट का यही सबसे अच्छा है कि मैच हारे या फिर जीते दोनों टीम्स में हैंडशेक होता रहता है। आज के मैन ऑफ द मैच है श्रेयस अय्यर, इनसे थोड़ा बहुत बातचीत कर रहे हैं हमारे कमेंटेटर्स। मैच यहां पे खत्म होता है। सुनील नारायण ने एक विकेट लिया है, 6 रन दिया है। वरुण चक्रवर्ती ने 17 रन दिया है, कोई भी विकेट नहीं लिया। हैदराबाद की टीम से अभिषेक शर्मा ने दिया 17 रन, अब्दुल समाद ने दिया है 4 रन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।